डिस्कसिंग इट, ये नारायण मूल बोलते हैं। ये नारायण मूल है, इससे क्या ये शुभ माना जाता है। जैसे अपना नारियल का पेड़ होता है ना, ये उसी का प्रतीक है। पिकॉक अपने इसमें शुभ माना जाता है। ये नारियल मूल इसका स्टार्टिंग था, बाद में पूरा ये मॉडिफिकेशन हुआ। ये पहले बिल्कुल सिंपल सा पल्लू आता था, जैसा जमाना बदलता रहा, जैसे एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहा, व्यूअर का अपना मॉडिफिकेशन खुद ही किया। ये स्टार्टिंग था, उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक मॉडिफिकेशन आया। इसमें सबसे अच्छा मॉडिफिकेशन आया कि इसमें फैंसी पल्लू में कन्वर्ट किया, ये बॉर्डर बड़ा किया, चौकते में बॉर्डर किया इसका। इसके बाद ये बॉर्डर आया, बुट्टा बड़ा आया। इसमें जर्मी बुट्टा आता है, ये सिल्वर बुट्टा है, सिल्क बुट्टा है, सिल्क बाय सिल्क बुट्टा है। और ये पल्लू में ये इसका बॉर्डर का मॉडिफिकेशन हुआ। ऐसा चेंजेस आता रहा, कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज होता है। कस्टमर स्टॉप हो गया तो व्यूअर का भी अपना ये बोलता है, भाई अभी कुछ नया चाहिए। कस्टमर ने जैसा पदार्थ ये ले लिया तो उसको नया चाहिए अगले साल, ये इसका चेंजेस हुआ। इसमें बुट्टा बड़ा आ गया और पल्लू सुन, जो रेगुलर ट्रेडिशनल पल्लू था उसमें से फैंसी पल्लू में आ गया कस्टमर, ये इसका फैंसी पल्लू। इसमें इस बॉर्डर के अंदर 3-4-5 पैटर्न तक ये चलता रहा, जब तक कस्टमर का ये विचार बताए, व्यूअर का अपना दिमाग बताए, चलता रहा, जिससे रिक्वायरमेंट आता रहा ये चलता रहा। इसके बाद में एक और रीजन है, उसके बाद में एक टिश्यू पदर बोलते हैं। ये शोल्डर पे ऐसे पिकॉक आएगा और पल्लू पूरा टिश्यू में आएगा। ये जगह पल्लू आता है, ये पूरा जगह पल्लू, एक कलमकारी पल्लू जगह पल्लू आता है, पूरा जगह में आया। इसमें ये मैंगो बूटा है और इसमें फिर और मॉडिफिकेशन हुआ, बूटा बड़ा किया, शोल्डर पे पिकॉक आया, पल्लू फुल टिश्यू में आया। यही पर नहीं, व्यूअर ने फिर इसके अंदर सोचा इसमें और कुछ नया चाहिए अगले साल के लिए, उसने फिर ये लिखा। ये देखिए, ये पिकॉक बांसुरी के साथ में, ये देखो ये बूटा, इसमें ऐसा कलर डाला। ये हैंडलूम साड़ी से पूरा हैंडलूम, बट इसमें बैठा था जगह से, कुछ नया सोचता रहा, नया बनता रहा। ये देखो पल्लू भी पूरा बांसुरी मोड़ का ही, पूरा पल्लू बांसुरी। इसके बाद में ये आया मुने बड़ा, ये मोना बॉर्डर में ये छोटा डॉलर बुट्टा है। ये जैसे मैं आपको ये चटाई बॉर्डर में स्टार्टिंग पल्लू बोला ना, सेम पल्लू आएगा, ये नारावी पल्लू आएगा। इसको कोई रेगुलर बॉर्डर बोलता है, कोई ट्रेडिशनल पल्लू बोलता है, और रेगुलर पल्लू ट्रेडिशनल पल्लू में बिल्कुल सुपर पल्लू है सब। बट इस पल्लू को क्या है कि दुनिया को दिखा दिया, बोला नहीं भैया हमको फैंसी पल्लू चाहिए। अब ये पल्लू चला, इसके बाद क्या, अभी पल्लू सब कस्टमर ने ले लिया, कस्टमर को फिर अगले साल या नेक्स्ट टाइम में साड़ी यही लेना है, कलर दूसरा लेना, बट पल्लू दूसरा चाहिए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पल्लू है। फिर कस्टमर इस रिक्वायरमेंट पे व्यूअर फिर इसे फैंसी पल्लू में आया। ये देखो ये इसका फैंसी पल्लू, पल्लू साथ पैरेट पिकॉक में भी आएगा, लोटस में भी आएगा, 10 से 12 तरह का पल्लू आएगा, बट ये फैंसी पल्लू हैवी पल्लू बोलता है, कोई फैंसी बोलता है, कोई बोलता है कि हस्तकला पल्लू बोलता है। हस्तकला वो भी हैंडलूम ही है, बट बड़ा आएगा तो वो हस्तकला चाहिए। अभी ये हो गया मुने बॉर्डर बूटा में आ गया, इसके बाद फिर बूटा से मुने बॉर्डर चेक्स में आ गया, चलता रहा कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहा। ये मुने चेक्स में आ गया, अभी फिर चेक्स से लाइनिंग में आया, कस्टमर का भी नया चाहिए अगले साल, मोटा भी ले लिया मान के चलो, चेक्स भी ले लिया, फिर उसको लाइन चाहिए, ऐसा लाइनिंग चाहिए। लाइनिंग से फिर कस्टमर बोला नहीं यार, गोल्ड तो मेरे पास 10-12 साड़ी हो गया। फिर कस्टमर आ गया सिल्वर के ऊपर, प्योर सिल्वर के ऊपर आ गया, तो कस्टमर को नया चाहिए, बोल दिया मेरे को अभी पहले पैसा नहीं, हमारा एक ट्रेडिशनल कलर ही बनता था, मान के चलो मजिंता, रेड, पर्पल, पिंक, ऐसा ऑरेंज। अभी कस्टमर इस टाइप में आ गया कि कस्टमर को अभी बिल्कुल लाइट रंग कलर चाहिए, भैया मेरे पास पूरा हैवी साड़ी हो गया कलर का, पूरा कलर डार्क कलर है, मेरे को लाइट कलर चाहिए। अभी पूरा व्यूअर्स आज की डेट में पूरा लाइट कलर कर चल रहा है। ये बॉर्डर हो गया सिंगल मुनिया में, अभी सिंगल मुनिया में भी कस्टमर ले लिया, चलो ये हो गया
अभी कस्टमर सोचा इससे कोई बड़ा बॉर्डर बन सकता है क्या, तो व्यूवर फिर ट्रिपल मुनिया बॉर्डर में आए। देखो ये ट्रिपल मुनिया बॉर्डर है, इसके बाद में इस बॉर्डर का जमीन, ये हैवी पल्लू है, इसमें भी रेगुलर या ट्रेडिशनल पल्लू आता है, फिर इस बॉर्डर में आया व्यूवर। इस बॉर्डर से चलता है क्योंकि इसका जन्म होता रहा, ये रुका नहीं, ना कस्टमर रुका ना व्यूवर रुका। आज बहस इतना अच्छा, इसका क्रेज है हर जगह अच्छा है, क्योंकि व्यूवर ने खुद चेंजेस किया है, व्यूवर भी चेंज हुआ है और कस्टमर भी चेंज हुआ है। व्यूवर अगर चेंज हुआ तो कस्टमर को नहीं वही चाहिए, तो फिर व्यूवर का कोई चेंज होने पर फायदा नहीं। कस्टमर खुद चेंज हुआ है, व्यूवर ने चेंज किया है, और इसलिए इसका आज के में टॉप में क्रेज इसका ट्रिपल मुनिया बॉर्डर में आया। ट्रिपल मुनिया बॉर्डर में सिंगल मुनिया की तरह बिल्कुल सेम हुआ, इसमें भी बूटा से व्यूवर चेक्स में आया। देखो ये चेक्स में आया, चेक्स से फिर सिल्वर में भी आया, सिल्वर में भी आया, और इसके बाद में स्टार बॉर्डर भी बनता है। ये स्टार बॉर्डर चलता बहुत अच्छा चलता है, इसका भी क्रेज अच्छा है, ये भी सिल्वर गोल्ड में चेक्स में मिलेगा आपको। इसके बाद टर्निंग बॉर्डर बना हमारे पास, टर्निंग बॉर्डर कोई आसॉइल बॉर्डर बोलता है, कोई पिको पैरेट बॉर्डर बोलता है, कोई टर्निंग बॉर्डर बनता है। ये टर्निंग बॉर्डर और ये ट्रेडिशनल पल्लू, इसका ये जो बोलते हैं जब इसका जन्म होता है तब ट्रेडिशनल पल्लू। इसके बाद इसके पल्लू में बहुत चेंजेस हुए, हैवी पल्लू आया, हर व्यूवर का अपना अपना इससे बनता रहा। इसमें भी व्यूवर ने बहुत चेंजेस किया, बूटा चेंज किया, ये ने बूटा पैरेट बड़ा किया, सिंगल पैरेट बनाया, पैरेट पिकॉक सिंगल बनाया, कभी सिंगल मुनिया और पैरेट बॉर्डर बनाया, फिर कभी दो डबल मुनिया पैरेट डिजाइन बनाया। उसके बाद देखो इसमें चेक्स भी बना, आज जितना एक बॉर्डर में पूरा डिज़ाइन चल रहा है आजकल में, पूरा 3-4-5 इस डिज़ाइन में जितना चेंजेस है, मान के जो चेक्स है, लाइनिंग है, सिल्वर जेरी में भी है, बूटा में भी है, सिल्वर जेरी में भी है। उसके बॉर्डर उसके बाद में जो अजंता एरोला जो लोटस का जो डिज़ाइन बनाए उसका जन्म, ये इसको अजंता लोटस बोलते हैं। फिर इस लोटस में भी व्यूअर ने बहुत कन्वर्ट किया, इसको लोटस को फ्लावर्स को बड़ा किया, छोटा किया, ऐसा। अभी कस्टमर को लोटस चाहिए कम बॉर्डर में, छोटे बॉर्डर में चाहिए कम, उस टाइप में बनाया। उसके बाद में फिर यहाँ से आगे पूरे ब्रोकर के जन्म। और ये साड़ियाँ एक ऐसा चीज़ है, ये डाइंग भी हमारे यहाँ होता है, इसका पूरा धागा धागा बना जाता है, धागा धागा जोड़ जाता है, प्योर हैंडलूम में बनता है, प्योर सिल्क में बनता है। यहाँ ये जितनी साड़ियाँ है ये ट्रेडिशनल है, और एक इसका एक वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के अंदर इसका एक क्रेज है। ये वर्क आपको दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, ये लॉकिंग सिस्टम है हमारा पूरा। ये देखो ये उल्टा और सीधा एक जैसा नजर आएगा, और ये वीविंग होते समय ये लॉकिंग होता है, या एम्ब्रॉयडरी ऐसा नहीं, ये वीविंग के समय लॉक होता है, ये हमारा खासियत है। इसके बाद में 10 से 12 डिज़ाइन छोटा छोटा ये 7-8 इंचेस बॉर्डर में बनता है, आपको मैं जितना मोटा मोटा डिज़ाइन दिखा देता हूँ। का जो रॉ मटेरियल जो हमारा पहचने का जो कीड़ा होता है, उसका पूरा कॉलेज बेंगलोर में होता है, बेंगलोर में इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद इसका जो धागा बनता है, धागा उसके वहाँ से बनने के बाद में हमारे इधर आता है, ये A1 क्लास 1 ग्रेड का रेशम होता है। हाँ, इसको सिंगल गट्टा रेशम बोलते हैं हमारे इधर। इसमें बहुत से बॉर्डर बनेगा, 10-15 बॉर्डर आता है। ये 7-8 इंचेस में ये ब्रॉकेट का डिज़ाइन है पूरा, आप देख सकते हैं, ये बांगड़ी टाइप बना है। इसके बाद में वन साइड बॉर्डर का, अभी यहाँ तक तो हो गया, कस्टमर बोला नहीं भैया मुझे बड़ी बॉर्डर चाहिए, हाँ सर, फिर बड़ा बड़ा बॉर्डर बनता गया। इसमें बहुत सारा बॉर्डर ऐसा है, ये सिल्क बाय सिल्क, इसके टिश्यू में भी बनता है, और ये डबल बॉर्डर भी बनता है, डबल बॉर्डर भी आएगा, सिंगल बॉर्डर भी आएगा ऐसा। और इसमें
बहुत सारा डिजाइन है, चेंज करते रहते हैं, बूटा चेंज करेगा, पल्लू चेंज करेगा। इसमें डबल बॉर्डर भी बनता है और ये साड़ियाँ पूरे हैंडलूम मार्क सिल्क मार्क होती है, कोई गुंजाइश नहीं कि इसमें हमारा एक ऐसा प्लेस है जहाँ प्योर है तो प्योर ही बनेगा, क्योंकि सब कुछ कॉस्टली होता है, वीविंग कॉस्टली है, व्यूवर का जितना टाइम रहेगा, आपको जितनी साड़ी दिखाई कहते नहीं कि प्योर हैंडलूम दिखाई और स्टार्टिंग दिखाई, एक ही धागा दिखाया, इसमें वही धागा स्टार्टिंग प्राइस में भी है, वही धागा इस ऑल ओवर में भी है, जितना व्यूवर का टाइम लगा है, जितना व्यूवर का मेहनत लगा है, इस साड़ी में व्यूवर का मेहनत का पैसा लेते हम। धागा तो आपकी नॉर्मल रेंज की साड़ी में भी है और हैवी रेंज की साड़ी में धागा वही है, धागा का कुछ नहीं, धागा तो प्योर है, बट इसका कोई सोचता है इतना महंगा, इसका मतलब इसमें कोई अलग धागा, धागा अलग नहीं है, इसमें व्यूवर का जो मेहनत लगा है ये साड़ी बनने में, तो हमारा साड़ी 25 डेज से लेकर 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ जैसा बनाना चाहे 1 ईयर 2 ईयर तक बनता है, 4 मंथ 3 मंथ आप जैसा साड़ी का वीविंग है उस वीविंग के ऊपर साड़ी बनता है। ये पूरा ऑल ओवर जा रहा है, पूरा सिल्क बाय सिल्क ऐसा ऑल ओवर में आएगा डिजाइन, ये 4-5 मंथ में बनने वाली साड़ियाँ है। और व्यूअर का देखिए, व्यूअर ने जितनी मेहनत दिया है, व्यूअर का मेहनत का है, और आप मान के चलो एक कि ये कला आज भी है, ये कला आज से 300, 400, 500, 600 साल, 700 साल, 800 साल पहले भी था, आज भी है, और आज इस कला का बहुत ज़्यादा क्रेज है। आज जो हमारा जो प्लेस है, इस प्लेस में जो यंगस्टर है, युवा वर्ग है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। मान के चलो कि पहले 70-80 लूम्स होता था गांव में, आज 100-200 लूम्स है, पूरा यंगस्टर सब बोलता है यार यंगस्टर इधर ये कर रहा है वो कर रहा है, बट आज की डेट में हमारा यंगस्टर इस कला इस वीविंग को संभालने में लगा है पूरा की पूरा। देखिए कितना सुंदर वीविंग है, और ये पूरा सीधा है, ये आप उल्टा भी देखोगे इस वीविंग को आप यकीन नहीं करोगे, उल्टा आप कैसे नजर आएगा, ये इसका उल्टा वीविंग है, ये उल्टा है, हाँ जी, और हमारा साड़ी बनते समय उल्टा ही बनता है, हाँ हमारा साड़ी उल्टा ही बनता है, बनते समय जब वो साड़ी कंप्लीट होने के बाद जब कट होगा तो उसके बाद ये सीधा हो गया है, बनते समय हमारा साड़ी उल्टा ही बनता है। आप देखा होगा अभी कि हर धागा रॉ मटेरियल से कलर होना है, कलर होने के बाद में वार्प में जितना 5000 4000 जितना 3000 थर्ड है वो थर्ड को पूरा एक दूसरे को लगाना है, लगाने के बाद में जो धागा उसका जो आड़ा धागा उसको बिल्कुल सीधा करना है, उसको लेना है, इसके ऊपर लेना है, बॉक्स को लेना है, फिर उसको छोटे का अपना पेपर का होता है इसके ऊपर कागज़ के ऊपर लेना है, फिर वो एक एक धागा बुनता है व्यूवर, ये व्यूवर का मेहनत है। और हम बहुत खुश हुए कि आज की हमारे जो व्यूवर पीढ़ी है इस तरफ उसका बहुत ज़्यादा झुकान है। ये वाइट बाय जरी है, और ये गोल्ड में आएगा तो इसका शाइनिंग ऐसे आएगा, मैं आपको बोलता है ये दोनों जरी सेम है, बट ये वाइट थर्ड के ऊपर इसको जरी को यूज़ किया, गोल्ड जरी को इसका शाइनिंग ऐसे है, और इसको रेड में यूज़ किया इसका शाइनिंग ऐसे है, ये ऑरेंज पे यूज हुआ है, ये देखो ये तीनों कलर का शाइनिंग है, ये ऑरेंज रेड और वाइट। हर आज मैं बोला आपको कि आज तक सब क्रिस्टल कलर बन रहा था, क्रिस्टल कलर, ये लोटस डिजाइन फ्लावर्स इतने बर्स वगैरह नहीं है, इसको उल्टा करोगे ना आपको वैसे ही लोटस नजर आएंगे जैसे आप अभी सीधे में, ये पल्लू का लोटस है, और ये लॉक होता है इसका लॉकिंग सिस्टम पहले से, जैसे हमने सीखा, किसी और ने सीखा, सबने सीखा है कि ये ऐसा लॉक होता है, और हमारा पैसा नहीं है, हमने बहुत सारी व्यूविंग देखे, बहुत व्यूविंग देखा, मगर हमारा जो लॉकिंग सिस्टम है वो बहुत सुंदर है, और कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है कि हमारा प्लेस का पूरा जो पूरा जो न्यू जनरेशन है इसकी तरफ झुका नहीं पूरा, और इसलिए हमारे और नया नया मूड क्वेश्चन आ रहा है, यंगस्टर नया नया निकल रहे, कुछ ये निकल कुछ वो निकल, सब में पोलूस में चेंजेस आ रहा है, सब डिज़ाइन में चेंजेस आ रहा है,
और कस्टमर का भी दिल चाहता है कि यार नहीं मेरे पास रेड हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, नहीं अभी फैंसी कलर कस्टमर कलर चाहिए। ओके थैंक यू।